Assalamu alaikum dear students and welcome back to the video tutorials of mobile application development. तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फ्रेगमेंट्स. लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेगमेंट्स क्या चीज़ है. मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि ये हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जब हम प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो ये हमारे कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के. फॉर एग्जांपल वी कैन हैव एन एक्टिविटी, तो उन कंपोनेंट्स के साथ वी कैन हैव एन फ्रेगमेंट टू. तो फ्रेगमेंट का मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो रिपीट कर देती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को फ्रेगमेंट्स का मतलब पता हो, और उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हम लोग ये फ्रेगमेंट्स क्रिएट कैसे करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में. अ फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट अ बिहेवियर और अ पोर्शन ऑफ यूज़र इंटरफेस इन फ्रेगमेंट एक्टिविटी. देखें, जब भी कोई प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने कोई भी सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया. मैंने आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर में जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाया था. हाउ वी कैन इंस्टॉलेशन के बाद हाउ वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी एक्टिविटी प्रोजेक्ट. आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, जो है उसके प्रोजेक्ट का नाम दोगे, पैकेज का नाम दोगे, डोमेन का नाम दोगे. ये सब करने के बाद व्हाट यू गोना डू नेक्स्ट इज़ दैट यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट, और उसके बाद आप अपने एंड्रॉयड का वर्जन डिक्लेयर करोगे. फॉर एग्जांपल आपका एंड्रॉयड वर्जन 4.4 है, 5.0 है, तो आप अपने वहाँ पे आप बेसिकली एसडीके कौन सा सिलेक्ट करोगे जो कि 80% या मोर देन 80% एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स को जो है वो रन करो. फॉर एग्जांपल अगर आप आज की बात करें तो यू विल सी कि हमारे पास अगर कुछ ओल्डर वर्जन ऑफ मोबाइल है, जैसे अगर हम सैमसंग की बात करें, वी हैव S4, तो उसके अंदर हमारे पास एंड्रॉयड वर्जन लॉलीपॉप चल रहा है, उसके बाद आइसक्रीम है. तो आप मेजर नंबर ऑफ एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको टारगेट करोगे. तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो यू विल सेट योर एंड्रॉयड वर्जन मिनिमम टू 4.0, और 4.0 से अबव जितने भी उसके वर्जन्स आएंगे ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल, ऑटोमेटिकली उन पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो सकेगा. ये चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़े थे जिसमें मैंने आपको एक्टिविटी फ्रेगमेंट्स और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया था. आज हम लोगों ने सिर्फ फोकस करना है फ्रेगमेंट्स के ऊपर. तो अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्डिंग में बताऊं कि फ्रेगमेंट्स क्या चीज़ हैं, तो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो एक स्क्रीन को मुख्तलिफ सब पोर्शंस में डिवाइड कर देना फ्रेगमेंट्स कहलाता है. देखिए, अगर मैं इस वक्त आप लोग अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे जो देख सक रहे हो उसके ऊपर आपको स्लाइड्स शो हो रही है, ठीक है, एट अ टाइम आपको इस वक्त दो स्लाइड शो हो रही हैं क्योंकि मैंने प्लेनिंग किया हुआ. तो ये जो कंप्लीट पिक्चर आपको शो हो रही है ये इट्स अ वन एक्टिविटी, जिसके लेफ्ट साइड पर अगर आप देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, हेयर यू हैव फ्रेगमेंट्स, हेयर यू हैव फ्रेगमेंट डेफिनेशन एंड ऑल, ये स्लाइड है. तो इस वक्त एक वक्त में आपको स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें शो हो रही होती हैं दैट इज़ वन एक्टिविटी. अब अगर मैं बात करूँ फ्रेगमेंट्स की, तो फ्रेगमेंट्स आर स्मॉल पोर्शन ऑफ वन एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीन पे इस वक्त ये एक एक्टिविटी ये चीज़ है, तो फर्स्ट स्लाइड जो है हमारी, फॉर एग्जांपल ये जो फ्रेगमेंट्स की फर्स्ट स्लाइड है, ये हमारा एक फ्रेगमेंट है इसका, ठीक है. हमारी स्लाइड का नेक्स्ट फ्रेगमेंट स्क्रीन का क्या है, फ्रेगमेंट्स हेडिंग और नीचे ये जो इसकी डेफिनेशन है, और थर्ड फ्रेगमेंट. देखें मेरी बात सुनें, अक्सर ऐसे होता है हम लोग कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप करते हैं जिसमें कुछ चीज़ें हमें रेपिटेटिवली यूज़ करनी होती है, यानी कि बार बार यूज़ करनी होती है. फॉर एग्जांपल आप अपने टॉप पे ये एडिट और WPS और डिफरेंट स्लाइड्स और क्लोज का ये जो ऑप्शन देख रहे हो, ये बार बार रिपीट होना होता है, ठीक है. या अगर आप नीचे बॉटम पर देखो हमारे पास टूल्स का, प्ले का, शेयर का, रिकॉर्ड का ये ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये ऑप्शंस बार बार रिपीट होने होते हैं. तो ये जो ऑप्शंस हमारे बार बार हर स्क्रीन पे या हर एक्टिविटी पे रिपीट होने होते हैं, हम उनको फ्रेगमेंट्स की सूरत में जो है वो डिज़ाइन करते हैं,
ताकि जब हम प्ले करें या जब हम अपनी एप्लीकेशन डेवलप करें तो हमें बार बार एक चीज़ जो है उसको कोड ना करना पड़े, उसे डिज़ाइन ना करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक फ्रेगमेंट बना कर रख लेती हूँ अपना स्टॉप टूल बार का, जिसमें मेरे पास एडिट है, जिसमें मेरे पास WPS लिखा हुआ है, जिसमें मेरे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन ओपन करने का ऑप्शन है, जिसमें मेरे पास यहाँ से क्रॉस करने का क्रॉस से ऑप्शन है। एक मैं ये बना लेती हूँ, और एक अगर आप बटन पे देखें, मैं क्लिक करूँ तो आप ये देखें टूल्स प्ले शेयर और रिकॉर्ड, एक मैं फ्रेगमेंट ये बना लेती हूँ, तो फिर चाहे जितनी मर्ज़ी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस मैं बनाऊँ, या जितने मर्ज़ी प्रोजेक्ट मैं बनाऊँ, या जितने मर्ज़ी सॉफ्टवेयर मैं बनाऊँ, ये वाली फ्रेगमेंट वाली चीज़ मैं हर एक प्रोजेक्ट में जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप देखें तो हम दोबारा रिपीट करते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। अ फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट्स अ बिहेवियर और अ पोर्शन ऑफ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस यानी कि एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के स्मॉल पोर्शन होते हैं। आप लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे एक कंप्लीट मैसेज को डिवाइड किया जाता है इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, यानी इनटू मल्टीपल स्मॉल पोर्शंस। तो ये भी वही बात ही हो रही है कि एक एक्टिविटी को डिवाइड किया जाता है इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, यानी कि इनटू मल्टीपल स्मॉल पोर्शंस, ताकि उनको बार बार जो है वो कोड ना करना पड़े। इन फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेटली डिज़ाइन करके अपने पास रख लेते हैं, और जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम उसको सिर्फ इंसर्ट करके कॉल कर लेते हैं। हमें बार बार चीज़ को, एक ही चीज़ को कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वी कैन कंबाइन मल्टीपल फ्रेगमेंट्स इन अ सिंगल एक्टिविटी टू बिल्ड अ मल्टीप्लेन यूजर इंटरफेस एंड रीयूज अ फ्रेगमेंट इन मल्टीपल एक्टिविटीज़। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हम लोग एक स्क्रीन पे एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फ्रेगमेंट की आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि बॉटम पे वी हैव टूल प्ले शेयर रिकॉर्ड मेरी स्क्रीन पे, और टॉप पे आई हैव एडिट, आई हैव सेव ऑन क्लाउड ऑप्शन, आई हैव WPS द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, आई हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। तो यहाँ पे भी स्क्रीन पे मेरे पास दो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम एक एक्टिविटी पे या एक यूज़र इंटरफेस पे या एक वक्त में एक स्क्रीन पे एक से ज़्यादा हम लोग फ्रेगमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आपके पास ये पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो जो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये चीज़ है, इसको नाम दिया गया है फ्रेगमेंट बी के नाम से, और ये जो चीज़ है इसको नाम दिया गया है फ्रेगमेंट ए के नाम से। तो आप लोग एक वक्त, यानी एक स्क्रीन को जो है आप एक से ज़्यादा पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, और डिफरेंट पोर्शंस को क्या नाम दे दिया गया है, फ्रेगमेंट का नाम दे दिया गया। वापस आते हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वी कैन थिंक ऑफ अ फ्रेगमेंट एज अ मॉड्यूलर सेक्शन ऑफ एन एक्टिविटी विच हैज़ इट्स ओन लाइफ साइकिल। मतलब कि एक हम मॉड्यूलर एक्टिविटी कह सकते हैं एक फ्रेगमेंट को, जिसका अपना लाइफ साइकिल है, यानी कि वो जो फ्रेगमेंट है उसने वही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जो उसे इनिशियली जिसके लिए डिज़ाइन किया गया, उसका एक सेपरेट लाइफ साइकिल है। ठीक है, जैसे अक्सर हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास मेन्यू शो हो रहे होते हैं, और वो मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं तो हमारी राइट साइड वाली स्क्रीन चेंज होती रहती है, और जैसे न्यू एडमिशन के अंदर सब्जेक्ट के अंदर, मतलब वो ऑप्शन हमारा मेन्यू जो लेफ़्ट साइड पे डिस्प्ले हो रहा होता है वो एज इट इज़ रहता है, लेकिन राइट साइड पे जो हमारी स्क्रीन है वो चेंज होती रहती है, और हम लोग एक फोल्डर से सेकंड फोल्डर से थर्ड फोल्डर में जो है वो मूव ऑन करते रहते हैं। तो ये भी वही होता है कि एक फ्रेगमेंट जो लेफ़्ट साइड पे मेन्यू का है उसको फिक्स कर दिया गया है, राइट साइड वाली स्क्रीन का एक फ्रेगमेंट बना दिया गया है, लेफ़्ट साइड से जो कमांड मिलती है, जो ऑप्शन सेलेक्ट होता है उसको राइट साइड पर डिस्प्ले किया जाता है, और राइट साइड की स्क्रीन बार बार अकॉर्डिंग टू द कॉल गिवन बाय लेफ्ट साइड फ्रेगमेंट चेंज होती रहती है।
ठीक है। उसके बाद वी हैव अ फ्रेगमेंट मस्ट ऑलवेज बी होस्टेड इन एन एक्टिविटी एंड द फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द होस्ट एक्टिविटी लाइफ साइकिल। अच्छा, फ्रेगमेंट वो कह रहे हैं कि हमेशा होस्ट किया जाएगा एक मेन एक्टिविटी में, यानी कि एक मेन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हमने बनाई है उसके अंदर जो है वो फ्रेगमेंट एक मेन एक्टिविटी आपने बनाई है उस मेन एक्टिविटी के अंदर आप एक फ्रेगमेंट कॉल कर सकते हो, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल और वो मेन एक्टिविटी जो है वो उसको कंट्रोल कर रही होगी उस फ्रेगमेंट को, अगर हम लोग वो मेन एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हमारा फ्रेगमेंट भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जैसे आप फॉर एग्जांपल में पढ़ सकते हो, फॉर एग्जांपल व्हेन द एक्टिविटी इज पॉज्ड इस स्लाइड पे, मैं आपको जूम करके दिखा सकती हूँ, इस स्लाइड पे मैं बात कर रही हूँ, इसको मैं प्ले कर देती हूँ, इट वुड बी बेटर। अगर यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल व्हेन द एक्टिविटी इज पॉज्ड सो ऑल द फ्रेगमेंट्स इन इट, यानी कि अगर एक एक्टिविटी को पॉज किया गया है तो उसके अंदर जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उन सब वो सब भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, पॉज। और उसके बाद एंड व्हेन द एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड सो आर ऑल फ्रेगमेंट्स, यानी कि अगर वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय करेंगे, हम ख़त्म करेंगे, तो उसके अंदर मौजूद जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। जैसे हम समझते हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है तो चाइल्ड यानी कि फ्रेगमेंट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट, पेरेंट यानी एक्टिविटी, तो अगर पेरेंट डिस्ट्रॉय होगा यानी कि एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी तो ऑटोमेटिकली जो उसका चाइल्ड है यानी कि फ्रेगमेंट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये बात हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने एक फ्रेगमेंट को डिज़ाइन कैसे करना है ये चीज़ देखते हैं। एंड्रॉयड हमारे पास एंड्रॉयड में फ्रेगमेंट्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था इन वर्जन 3.0 API level 11 primarily to support more dynamic and flexible user interface design on large screens such as tablets. अब देखो हमारे पास लार्ज स्क्रीन छोड़ के अगर हम लोग अपने मोबाइल्स की भी बात करें तो भी हमारे पास आजकल मोबाइल्स में भी जो है वो लार्ज स्क्रीन आ रही है, और अगर स्पेशली हम टैबलेट्स की बात करें तो अपने यूजेज को मोर कंफर्टेबल और अपने यूजेज को मोर यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट फ्रेगमेंट्स इन वन एक्टिविटी, कि एक जो हमारी फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है वो एज इट इज़ रहे या एक फ्रेगमेंट जो है वो एज इट इज़ रहे और उसी स्क्रीन के सेम एक्टिविटी के दूसरे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो चेंज होते रहे अकॉर्डिंग टू द क्लिक्स ऑफ द एंड अकॉर्डिंग टू द कॉल्स गिवन बाय द यूज़र। उसके बाद कह रहा है कि ये जो फ्रेगमेंट्स का ऑप्शन है ये हमें अपनी नीड के मुताबिक चेंज करने को, लेआउट को डिज़ाइन करने को, डिवाइड करने का ऑप्शन देता है। यू बिकम एबल टू मॉडिफाई द एक्टिविटी अपीयरेंस एट रन टाइम, आप ना सिर्फ अपनी स्क्रीन को मुख्तलिफ अपनी एक्टिविटी को मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो बल्कि उनका लेआउट जो है वो रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हो एंड प्रिजर्व दोज चेंजेस इन अ बैक स्टैक दैट्स मैनेज्ड बाय द एक्टिविटी, और वो जो बेसिकली रन टाइम पे आप चेंज कर रहे हो तो लेआउट उनको स्टैक के अंदर वन बाय वन जो है वो स्टोर भी कर सकते हो। दे आर नाउ वाइडली अवेलेबल थ्रू द फ्रेगमेंट स्पोर्ट लाइब्रेरी, अब जो हमारे पास मुख्तलिफ एंड्रॉयड डिवेलपमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, जैसे क्लिप्स हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, उन्होंने इन फ्रेगमेंट्स को ऐड करने के लिए जो कोड है उसको लाइब्रेरी में ऐड कर दिया गया। लाइब्रेरी में जो कोड ऐड हो जाता है उसको हम इजीली जो है वो कॉल करके अपने प्रोजेक्ट में उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात हो रही है एडिंग मोर देन वन फ्रेगमेंट इन ईच एक्टिविटी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आप एक एक्टिविटी में यानी एट अ टाइम एक स्क्रीन को मल्टीपल पोर्शंस में यानी कि मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अ न्यूज़ एप्लीकेशन कैन यूज़ वन फ्रेगमेंट टू शो अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन द लेफ्ट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें उसने लेफ्ट साइड पे एक फ्रेगमेंट डिज़ाइन किया है जिसके अंदर सारे लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है. एंड अनदर फ्रेगमेंट टू डिस्प्ले एन आर्टिकल ऑन द राइट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड पे आपके पास लिस्ट शो हो रही है फ्रेगमेंट्स की और उसमें से एक फ्रेगमेंट जो यूज़र क्लिक करेगा वो राइट साइड पे ओपन हो के यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है. एंड यूज़र कैन प्ले अराउंड डिफरेंट आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स को जो है वो उस आर्टिकल को जो करेंटली उसने क्लिक किया था राइट पोर्शन में डिस्प्ले हो रहा है, राइट फ्रेगमेंट में डिस्प्ले हो रहा है, उसको रीड करने के बाद ही कैन मूव उसी स्क्रीन के ऊपर, उसी एक्टिविटी के ऊपर रहते हुए ही कैन अगेन क्लिक ऑन अनदर ऑप्शन, अनदर आर्टिकल, और उसी एक्टिविटी पे रहते हुए वो आर्टिकल जो है वो राइट साइड पे ओपन हो जाएगा. यानी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो डिफाइन नहीं करनी पड़ रही है. अगर फ्रेगमेंट्स वाली चीज़ ना होती तो आपका आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे काम कर रही होती कि आप एक आर्टिकल पे क्लिक करते, उसे पढ़ते, उसे क्लोज करते, बैक करते या वापस जाकर दूसरे आर्टिकल पे क्लिक करते, फिर उसको ओपन, वो ओपन होता, फिर उसके बाद उसको दोबारा रीड करके क्लोज करते या बैक जाते. तो इसमें बेसिकली आपको हेल्प आउट ये हो रही है कि लेफ्ट साइड पे आपके जो आर्टिकल्स डिस्प्ले हो रहे हैं लिस्ट में वो एज इट इज़ होते रहेंगे और उस राइट साइड पे जो एक ऑप्शन आपने क्लिक किया होगा वो आर्टिकल राइट साइड पे चेंज होता रहेगा. तो आपको एक ही एक्टिविटी के अंदर रहते हुए मल्टीपल एक्टिविटीज़ का प्रीव्यू भी मिल रहा है, आपको मल्टीपल आर्टिकल्स का प्रीव्यू भी मिल रहा है. तो यहाँ पे हमें फ्रेगमेंट्स का एडवांटेज पता चल गया कि एक ही एक्टिविटी में रहते हुए हाउ वी कैन यूज़ मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ऑन वन एक्टिविटी एंड हाउ वी कैन व्यू मोर देन वन आर्टिकल्स ऑन अ सिंगल एक्टिविटी. तो हमें ये तो समझ आ गया बेनिफिट. और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इन फ्रेगमेंट्स को कोड कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है. So the next thing is creating a fragment. Fragment का मतलब है portion of a screen which can be changeable. अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को इस वक्त फ्रेगमेंट को क्रिएट करने का लाइफ साइकिल जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, उसका एल्गोरिथम जो है वो आपको शो हो रहा है. मैं प्ले मोड को एग्जिट करती हूँ ताकि जूम करके मैं आपको इसका सीक्वेंस जो है वो बता सकूँ और दिखा सकूँ. ये ले मैंने प्ले मोड जो है वो एग्जिट कर दिया. अब हम देखते हैं कि इसका लाइफ साइकिल क्या है. First of all, a fragment is added and is attached या created or create view on activity. अच्छा, सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, आप एक activity create करोगे, ठीक है. activity create करने के बाद उसके अंदर आप एक view create करोगे और view create करने के अंदर आप क्या करोगे, एक fragment को add करोगे. fragment को add करने के बाद what you gonna do is to start the activity or resume the activity. अब जो है वो fragment आपके पास active है. you can either use navigate backward or fragment is removed or replaced. या fragment is added to the back stack then removed and replaced. या तो आप उस fragment को directly ख़त्म कर सकते हो या उस list of fragment को जो है वो stack में add कर सकते हो ताकि repetitively जो है वो use हो सके. इसके अलावा आप अपने फ्रेगमेंट को जो है क्रिएट करने के बाद पॉज कर सकते हो और उसको स्टॉप कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो यानी कि ख़त्म कर सकते हो या डिटैच कर सकते हो आप अपने फ्रेगमेंट को, ठीक है. और जब आप अपने फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय करते हो तो द फ्रेगमेंट रिटर्न्स टू द लेआउट फ्रॉम द बैक स्टैक, यानी कि बैक स्टैक से निकल के, लेआउट से निकल के वो जो हमारा फ्रेगमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है. उसके बाद आप वापस आ जाते हो ऑन क्रिएट व्यू. क्रिएट व्यू के अंदर आप एक एक्टिविटी दोबारा क्रिएट करते हो, उसके अंदर एक जो हमारे
पास फ्रेगमेंट है वो दोबारा क्रिएट करते हो, उसको स्टार्ट करते हो और इस तरीके से। टू क्रिएट अ फ्रेगमेंट यू मस्ट क्रिएट अ सब क्लास ऑफ फ्रेगमेंट और एन एग्जिस्टिंग सब क्लास ऑफ इट। द फ्रेगमेंट क्लास हैज कोड दैट लुक्स अ लॉट लाइक एन एक्टिविटी। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो एक्टिविटी और फ्रेगमेंट के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि उनका कोड जो है वो काफ़ी सिमिलर होता है। इट कंटेन्स कॉल बैक मेथड सिमिलर टू एन एक्टिविटी। उसके भी वही मेथड्स होते हैं, एक फ्रेगमेंट के भी वही मेथड्स होते हैं जो कि एक एक्टिविटी के होते हैं, जैसे कि ऑन क्रिएट हम एक्टिविटी के भी ऑन क्रिएट। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे साइकिल जो है वो थोड़ा सा जो है कंफ्यूज कर रहा होगा कि ऑन क्रिएट में बेसिकली हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक्टिविटी या फ्रेगमेंट। तो याद रखिएगा, सबसे पहले एक एक्टिविटी क्रिएट होगी और उस एक्टिविटी के अंदर जो है वो फ्रेगमेंट क्रिएट होगा। कभी भी फ्रेगमेंट पहले विदाउट एन एक्टिविटी क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि बिकॉज अव एक्टिविटी इज एक्टिंग लाइक अ पेरेंट एंड फ्रेगमेंट इज एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड। तो इट कैन नॉट हैपन दैट अ चाइल्ड कैन बी क्रिएटेड विदाउट एनी एक्टिविटी। ठीक है, फ्रेगमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड जब तक कि हमारे पास एक्टिविटी ऑलरेडी मौजूद ना हो। तो वो यही कह रहे हैं कि दोनों के मेथड्स जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन क्रिएट, ऑन डिस्ट्रॉय, इनके मेथड्स जो हैं वो दोनों के काफ़ी सिमिलर हैं। तो पीपल गेट कन्फ्यूज वेरी ईजिली। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि यू माइट सिंपली मूव कॉड फ्रॉम योर एक्टिविटी कॉल बैक मैथड इंटू रिस्पेक्टिव कॉल बैक मैथड ऑफ योर फ्रेगमेंट। तो यहाँ से हमें फ्रेगमेंट्स के बारे में समझ आई कि फ्रेगमेंट बेसिकली होता क्या। फ्रेगमेंट इज़ बेसिकली अ स्मॉल चंक ऑफ एन एक्टिविटी। उसके बाद हमने देखा है कि एक्टिविटी के अंदर हम मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। कुछ फ्रेगमेंट्स को हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट बनाते हैं तो लेफ़्ट साइड वाली फ्रेगमेंट को हम फिक्स कर दें। उसके अंदर हमारे पास कुछ लिस्ट हो, आई कैन शो यू। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स हैं, लेफ्ट पे हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट को हमने जो है वो फिक्स कर दिया। राइट साइड वाले फ्रेगमेंट को हमने जो है वो वेरिएबल कर दिया है कि यहाँ लेफ्ट से हम लिस्ट को क्लिक करते जाएंगे और राइट साइड पे जो है वो ओपन होते जाएंगे हमारे मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स, मुख्तलिफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि हम फ्रेगमेंट्स को जो है वो फ्रेगमेंट्स को हम किन मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। हम एक एक्टिविटी के अंदर एक फ्रेगमेंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फ्रेगमेंट डाल देती हूँ कि मेरे पास हर एक्टिविटी में जो है वो बैक का, होम का ऑप्शन जो है वो आना चाहिए हर एक्टिविटी पे, तो वो एक एक्टिविटी मैंने बैक, होम और उसके बटन की बना के ऐड कर दिया। अब हर एक्टिविटी में जो है वो फ्रेगमेंट मुझे शो हो रहा है। इस तरीके से भी फ्रेगमेंट्स हेल्प कर सकते हैं। और एक स्क्रीन को मैंने डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिस्ट है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारे पास सेकंड फ्रेगमेंट है जिसमें आर्टिकल्स ओपन हो रहे हैं। तो यूँ आप एक स्क्रीन के ऊपर या एक एक्टिविटी के ऊपर रहते हुए मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हुए मल्टीपल फंक्शंस जो है वो एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप हमारे फ्रेगमेंट्स वाली चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि फ्रेगमेंट्स क्या चीज़ है और उसे क्या क्रिएट करना है। फ़िलहाल मैंने आप लोगों को इसके थ्योरेटिकल लेवल पे रखा है, लेकिन इसके बाद जो हमारा इंटेंस का टॉपिक है उसमें मैं आपको कोड की थ्योरी के अलावा कोड का भी जो है वो ओवरव्यू दूंगी और बताऊंगी कि हाउ वी कैन कोड एन इंटेंट एंड हाउ वी कैन कॉल बिल्ट इन इंटेंट्स इन आवर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। तो अभी तक के लिए क्लास फ्रेगमेंट्स की मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ, एंड करती हूँ। स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। टिल देन टेक केयर। तो ये हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हाउ टू क्रिएट बिल्ट इन एप्लीकेशन यूजिंग इंटेंट्स इन एंड्रॉयड।
मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों से बात की थी कि हमारे पास एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल वी हैव फ्रेगमेंट्स, फॉर एग्जांपल वी हैव इंटर्न्स. तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक्टिविटी को डिस्कस किया, लास्ट क्लास में हमने फ्रेगमेंट्स को डिस्कस किया, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंटेंट. ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इंटेंट को. तो फटाफट सबसे पहले हम अपने इंटेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं. एन इंटेंट इज़ अ मैसेजिंग ऑब्जेक्ट यू कैन यूज टू रिक्वेस्ट एन एक्शन फ्रॉम अनदर ऐप कॉम्पोनेंट. ऑल द इंटेंट्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन कॉम्पोनेंट्स इन सेवरल वेज. दे आर थ्री फंडामेंटल यूज केसेस ड्यूरिंग एन एक्टिविटी. बहुत मुश्किल लग रहा है. ठीक है, मैं समझाती हूँ इजी वर्ड्स में. देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि आप लोग कोई इमेज ओपन करते हो गूगल के ऊपर जाके. ठीक है, गूगल पे जाके आप कोई इमेज ओपन करते हो और डाउनलोड करने के बाद आप उस इमेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो. ठीक है, तो आपके पास शेयर का ऑप्शन आता है. ठीक है, शेयर के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आगे आ जाते हैं. यू कैन शेयर वाया ब्लूटूथ, यू कैन शेयर वाया व्हाट्सएप, यू कैन शेयर वाया मैसेज. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस क्या रहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपने अंदर आपने इस वक्त बनाई है, उसके अंदर रहते हुए आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को कॉल कर रहे हो. यानी कि आप व्हाट्सएप को कॉल कर रहे हो कि व्हाट्सएप के थ्रू भी आप, क्योंकि व्हाट्सएप आप अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड होगा तभी यू कैन शेयर वाया व्हाट्सएप. ठीक है, तो इसी तरीके से फेसबुक अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड होगा तो यू कैन शेयर वाया और फेसबुक. तो हम बेसिकली इंटेंट में क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ डिफरेंट एप्लीकेशंस को कॉल करते हैं टू प्रोसीड या टू फुलफिल आवर नीड. एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको. जब हम साइन इन कर रहे होते हैं जीमेल के ऊपर या अगर हम किसी भी जगह पे हमें कोई आर्टिकल डाउनलोड करना है तो हमें वो वेबसाइट जो है वो साइन इन करने का पहले ऑप्शन देती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू साइन इन, तभी आप हमारे ये आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हो. तो आप साइन इन कैसे कर सकते हो? जब आप साइन इन पे क्लिक करते हो तो वो वहाँ पे आता है कि यू कैन साइन इन बाय फेसबुक टू, यू कैन साइन इन बाय गूगल प्लस टू, यू कैन साइन अप बाय जीमेल टू. तो आप जब उस पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हो कि साइन अप वाया फेसबुक पे आप क्लिक करते हो तो आपका फेसबुक अकाउंट जो के ओपन होता है इस वक्त आपके मोबाइल में, वो ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट कर लेता है और उसकी पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो उसको कैच करके आपको ऑटोमेटिकली साइन इन कर देता है. ऐसे ही है ना, आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको अगेन ये चीज़ बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई है. ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये प्रेजेंटेशन है. ठीक है, इस प्रेजेंटेशन को अगर मैं शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, तो शेयर करने के भी मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे. ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस मैं अपनी मतलब पीडीएफ मैं अपनी एक एप्लीकेशन के दरमियान बैठे हुए मुख्तलिफ सेवरल एप्लीकेशंस को जो है वो कॉल कर सकती हूँ टू फुलफिल आवर नीड. अच्छा, ये तो हमें समझ आ गई कि इंटेंट्स में क्या होता है. मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, ज़रा गौर से सुनना. देखो इंटेंट्स में क्या कर रहे होते हैं, हमने एक एप्लीकेशन बनाई है. फॉर एग्जांपल मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखती हूँ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स. ठीक है, इसके अंदर मैं आपको असाइनमेंट्स, मैंने ये एप्लीकेशन इसलिए बनाई है ताकि इसमें जो लेक्चर्स हों मैं वो स्लाइड्स ओपन कर दूँ. इसके अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको अपनी क्लास के जो इनरोल्ड हैं उनको ऐड कर लूँ, उनके साथ असाइनमेंट्स शेयर कर लूँ, उनके साथ क्विज़ शेयर कर लूँ, उनके साथ लेक्चर्स शेयर कर लूँ, उनके साथ नोट्स शेयर कर लूँ. मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है. ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स तक जो है वो शेयर हो जाए. तो मैं जब शेयर पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि यस इफ़ यू वांट टू शेयर दिस डेटा आउट ऑफ दिस ऐप एक्सटर्नली तो आप किस एप्लीकेशन के थ्रू शेयर करना चाहोगे. तो मैं कहती हूँ
कि फॉर एग्जांपल मैं अपना लेक्चर नंबर 3 है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना चाह रही हूँ, तो वो कहेगा मेरे पास सब डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, शेयर वाया ब्लूटूथ, शेयर वाया फेसबुक, शेयर वाया व्हाट्सएप। तो मैं शेयर वाया व्हाट्सएप पे क्लिक करके फिर मेरे पास व्हाट्सएप के वो सारे मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं और जो मेरे ग्रुप्स हैं वो ओपन हो जाएंगे जो कि मेरे व्हाट्सएप में हैं इस वक्त, और मैं उसके अंदर से अपने बैज जो BSIT 6 सेमेस्टर का होगा उसको क्लिक करके, उसको ओपन करके उन स्टूडेंट्स को जो है वो सेंड कर दूंगी। तो यहाँ पे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि एक एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है उसका डेटा मैं एक्सटर्नली शेयर कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ यूजिंग सम अदर एप्लीकेशन, क्योंकि व्हाट्सएप मेरी एप्लीकेशन तो नहीं है ना, मैंने तो उसे क्रिएट नहीं किया, व्हाट्सएप तो किसी और डेवलपर ने क्रिएट किया है, किसी और कंपनी के अंडर वो रन हो रही है, लेकिन मैंने इंटेंट के तौर पे जो है वो उसको यूज़ किया है। मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एप्लीकेशन के डेटा को शेयर किया है वाया व्हाट्सएप। तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप हाउ यू कैन कॉल बिल्ट इन एप्लीकेशन यूजिंग इंटेंट, यानी बिल्ट इन एप्लीकेशन यानी आपके मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन ऑलरेडी मौजूद है उनको आप इंटेंट्स के थ्रू अपनी अब वाली जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की जो बनाने जा रही हूँ उसके अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी मैंने जो एप्लीकेशन अपनी बनाई है मोबाइल एप्लीकेशन डिवेलपमेंट कोर्स, उसके अंदर मैं बिल्ट इन एप्लीकेशन यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह के एप्लीकेशंस को कैसे इंटेंट्स के थ्रू जो है वो कॉल कर सकते हो। तो ये बेसिकली इंटेंट्स हैं। उसके बाद ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपके पास इस जो प्री रिक्विजिट है वो ये कि आपके पास एंड्रॉयड SDK टूल होना चाहिए और ADT प्लगइन होना चाहिए, ठीक है। ADT प्लगइन इज़ रिक्वायर्ड अगर आप इंटेंट्स यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर बैठे हुए आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को जो है यूटिलाइज करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें समझ आ गई कि वी नीड टू हैव ADT प्लगइन, एंड सेकेंडली वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी शुड हैव एंड्रॉयड SDK इन आवर मोबाइल। उसके बाद उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था, न्यू प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट का नाम रखा, पैकेज का नाम रखा, डोमेन का नाम रखा, ये सारा कुछ करने के बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने बिल्ट इन एप्लीकेशन के कुछ जो है वो कुछ इंटेंट्स बना लेने। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एप्लीकेशन में रहते हुए गैलरी यूज़ करना चाह रहे हो अपने मोबाइल की, तो आप एक इंटेंट गैलरी का बना लोगे। अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए एक कॉल का ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हो, तो क्योंकि गैलरी भी जो है बिल्ट इन है, अगर आप कॉल करते हो अपने मोबाइल से तो वो भी चीज़ जो है वो मोबाइल की बिल्ट इन है। अगर आप मोबाइल का कोई कॉन्टैक्ट यूज़ करना चाह रहे हो तो वो भी मोबाइल का बिल्ट इन है। अगर आप डायलर का ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हो तो वो भी बिल्ट इन है। ब्राउज़र यूज़ करना चाह रहे हो वो भी बिल्ट इन है, अनटिल एंड अनलेस क्रोम भी अगर हो, अगर आपने डाउनलोड भी किया हुआ तब भी आपकी ये जो फाइल है क्रोम की या फोल्डर जो है, आपने क्रोम बिल्ड तो नहीं किया ना, ठीक है, आपने तो सिर्फ उसको यूज़ करना है वाया इंटेंट्स। उसके अलावा मैप, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी एप्लीकेशन जो है ये जो है आपके पास इंटेंट्स क्रिएट होने चाहिए। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, अपने एप्लीकेशन का लेआउट जो है वो ऐसा डिज़ाइन करना है जिसके अंदर आपके पास कुछ बटन्स आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लैंक स्क्रीन है आपके पास, आपने एक एक्टिविटी क्रिएट की है, एक्टिविटी क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर फॉर एग्जांपल 6 बटन्स ऐड कर दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट बटन है ओपन गैलरी, सेकंड बटन है कॉल लॉग ओपन कॉल लॉग, थर्ड बटन है ओपन कॉन्टैक्ट, फोर्थ बटन है ओपन डायलर, फिफ्थ बटन है ओपन ब्राउज़र, 6th बटन है ओपन मैप, ठीक है। तो सेकंड आपने क्या काम किया, आपने ये डिफरेंट बटन्स बना लिए, लेआउट बना लिया। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज़ दैट यू हैव टू क्रिएट इवेंट। अच्छा, उससे पहले आप लोग ये चीज़ देख लो,
कि ये क्रिएट करने के बाद आपने उसकी जावा फाइल जो है वो मतलब ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के बाद आपने ना देखिए आपने क्या करना है. नाउ वी हैव आवर लेआउट डिज़ाइन फॉर दिस एंड्रॉयड इंटेंट एग्जांपल. वी आर गोइंग टू कोड द जावा फाइल टू बिल्ड एन एप्लीकेशन यूजिंग इंटेंट. यानी ये सारा कुछ एक एक्टिविटी के ऊपर ये सारे बटन्स लगाने के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू क्रिएट एन इवेंट हैंडलर. ठीक है, उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा. यू आर गोइंग टू क्रिएट अ इवेंट हैंडलर. द फर्स्ट स्टेप इज इवेंट हैंडलर. इन आवर मेन एक्टिविटी जावा फाइल वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द बटन फॉर ईच ऑफ द बटन वी हैव क्रिएटेड इन आवर लेआउट. देखो हर बटन के साथ जो कोड बैक एंड पे ऐड होगा वो देखें. जो सबसे पहला ऑप्शन था हमारे पास गैलरी का था, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ये कोड लिख देंगे. ठीक है, दूसरा बटन कॉल लॉक है, उसके अंदर ये एक्टिविटी लिख देंगे. तीसरा बटन इस तरीके से ये कोड जो है इवेंट हैंडलर का हम डॉट जावा फाइल में जाके एडिट कर देंगे. हम क्या करें, हम बटन की बैक एंड फंक्शनैलिटी सेट कर देंगे. जब हम इस बटन को क्लिक करें ओपन गैलरी, तो हमारे पास गैलरी जो है वो मोबाइल की ओपन हो जाएगी. देखो एक ब्लैंक एक्टिविटी बनाएं, उसके ऊपर 6 बटन्स बनाएं. अब उस हर एक बटन की फंक्शनैलिटी के अंदर जाके आप ये कोड लिख रहे हो, ताकि जब हम उस प्रोजेक्ट को रन करें अपने मोबाइल के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन को ओपन करें, तो एक ब्लैंक स्क्रीन आए जिसके ऊपर 6 बटन बने हो. पहला बटन हो ओपन गैलरी, दूसरा बटन हो ओपन कॉल लॉग, तीसरा बटन हो ओपन कॉन्टैक्ट. जब आप ओपन फॉर एग्जांपल ओपन कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करो, तो आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स जो है वो ओपन हो जाए. यानी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को, मुख्तलिफ इंटेंट्स को जो है वो कॉल कर रहे होगे. ठीक है, उसके बाद ये कोड है, ये भी आपने एंटर करना है. ये कोड मैं आपको टेक्स्ट फाइल के ज़रिए जो है वो शेयर कर दूँगी. इसको इन डेप्थ इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपको फाइल आप पेपर के अंदर जो है वो इतना बड़ा कोड लिख के कहा जाएगा कि यू हैव टू क्रिएट एन इंटेंट. एंड यू नो आई थिंक व्हाट जो मेन चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए वो ये कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट एन एक्टिविटी, हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट बटन्स. ठीक है, इस तरह का काम. और फिर बटन्स की बैक एंड पे थोड़ी सी कोडिंग जो है वो ऐड हो, आप कैसे ऐड कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए. उसके बाद वो कह रहे हैं लास्ट में कि डिक्लेयर एक्टिविटी इन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट. इफ़ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ डेवलपिंग एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स, देन यू मस्ट नो दैट ईच एक्टिविटी यू हैव इन योर एप्लीकेशन मस्ट डिक्लेयर इन योर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल. सो नाउ रिप्लेस द फॉलोइंग कोड इन मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल. यानी कि वो कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. लास्ट स्टेप क्या होता है उसमें, कि आप मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में वो कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हो, और उसके बाद एड्रेस रिमूव करने के बाद आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसको रन करते हो. प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली रन हो जाता है विदाउट एनी बग्स, तो या आप अपने मोबाइल के ऊपर वो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करते हो. जब आप मोबाइल पर एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन होती है. ब्लैक स्क्रीन के ऊपर 6 बटन्स आ रहे होते हैं, ओपन कॉन्टैक्ट, ओपन कॉल लॉग, ओपन गैलरी, या वो जो 6 ऑप्शन थे वो सारे आ रहे होते हैं. जब आप फर्स्ट बटन यानी ओपन गैलरी को क्लिक करते हो, तो आपके पास गैलरी ओपन हो जाती है. अगर आप वापस आके ओपन कॉल लॉग पर क्लिक करते हो, तो आपके पास कॉल लॉग आ जाता है. तो यहाँ हमने पता चला कि इंटेंट्स के थ्रू हम एक एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए किस तरीके से मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है वो कॉल कर सकते हैं. तो यहाँ पे इंटेंट्स वाली जो चीज़ है हमारी कंप्लीट होती है. हाउ टू कॉल बिल्ट इन एप्लीकेशन यूजिंग इंटेंट्स इन एंड्रॉयड.